अलीगढ़ में पिछले एक हफ्ते से जहरीली शराब के शिकार लोगों की मृत्यु का आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां एक ओर जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद शवों का पोस्टमार्टम चल ही रहा है, तो वहीं दूसरी ओर थाना जव्वा इलाके के गांव दबथला के पास गुजर रही नहर में जहरीली शराब की पेटियां मिली हैं। देर रात नहर के पास ही बने रोहरा भट्टा पर काम करने वाले मजदूरों ने नहर में अवैध शराब की पेटियों को नहर से बाहर निकाला और मजदूरों ने शराब को आपस में बांटकर सेवन कर लिया। इसके बाद कई मजदूरों की हालत बिगड़ती चली गई, जिसके बाद परिजनों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा तो काफी संख्या में लोग बेहोश मिले, जिसमें एक महिला की मौके पर मौत हो चुकी थी। आनन फानन में अन्य सभी लोगों को जेएन मेडिकल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान दो और लोगों की मौत हो गई। शराब लाया था नदी में से, दारू झलल था वहां पर एक गाड़ी। कौन सी नदी में? जामा वाला नदी ना जाता ना पानी, वही नदी में से लाया है। सब लोग गया था डोलने के लिए तो देख लिया था शराब। अच्छा। उठा के एक कार्टून एक कार्टून घर में भर लिया, फिर घर में भी दारू अभी एक नीचे पकड़ा। कौन से भट्टे पर? रोहरा। रोहरा सबने दारू पिए वहाँ पर? हाँ। जमा नहर फेंक के गए थे वहाँ? हाँ। तो सबने दारू लिए वहाँ पर? सबने। अब क्या स्थिति है वहाँ पर इस टाइम? स्थिति सब कैसा ही हुआ है, सबको ऐसा ही सुआ हुआ है, सब ऐसे सो रहे हुए हैं वहाँ पर। कोई आप ठीक? अब कितने लोग आए हैं यहाँ पर? यहाँ पर लोग है पूरा ढेर लोग हैं, मगर आप नहीं पिया है, आप पिया है, अलग अलग में रहते हैं। अच्छा। कोई ऐसे अलग अलग गाँव के कैसे अलग में रहते हैं, सही पता है? आप कहाँ के रहने वाले हो आप लोग? हम रहने वाला है पटना का। अच्छा, पटना के रहने वाले हैं आप? तो भट्टा को मालिक को बताया इस बात के बारे में? सबको जा रहा है, मालिक भी आएगा। मालिक भी आ रहा है। वहीं एसडीएम रंजीत सिंह ने बताया कि कोड़ियागंज निवासी एक व्यक्ति का जवा क्षेत्र में खुशी ईंट उद्योग के नाम से ईंट भट्टा है, जहां पटना बिहार के मजदूर काम करते हैं। बताया जा रहा है कि कोई अज्ञात ट्रक ने शराब की पेटियां लाई थी, जिन्हें वहां नहर में फेंक गया। उसी शराब को मजदूर ने पी लिया, जिसके चलते करीब 22 लोगों की हालत गंभीर हो गई, जिनमें से एक महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई। देखिए, ऐसा है कि जवा क्षेत्र में एक गाँव है रोहरा, वहाँ पर यह जानकारी मिली कि वहाँ के भट्ठे के मजदूरों ने आज शराब पी, जिसमें कुछ लोगों की तबीयत ख़राब होने लगी। यह सूचना करीब हम लोगों को 9:30-10 बजे मिली। उसके बाद वहाँ पहले सबसे पहले मेडिकल टीम भेजी गई, वहाँ से कुल मिलाकर करके एक महिला वहीं मौके पर मृत पाई गई। उसको हम लोगों ने भिजवा दिया पोस्टमार्टम के लिए। बाकी सबसे पहले 2 सीरियस पेशेंट थे, उसको यहाँ भेजा गया, फिर उसके बाद 5 पेशेंट भेजे गए, फिर 7 पेशेंट भेजे गए। इस तरह से कुल मिलाकर करके 22 पेशेंट यहाँ भेजे गए, जिनमें से 3 की मृत्यु, यानी जो पहले ऑन स्पॉट डेथ हुई थी उसको, और 2 यहाँ डेथ हो चुके हैं, 3 की मृत्यु हो चुकी है, बाकी उपचाराधीन हैं, जिसमें से 6 लोगों की डायलिसिस बरून में चल रही है और 5 लोग की डायलिसिस यहाँ चल रही है। सर, महिला की जो मौत हुई शराब पीने से हुई है, ये तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बताएगा। वहीं पुलिस ने मजदूरों द्वारा नहर से निकाली गई अवैध शराब की पेटियों को अपने कब्जे में लेकर सील कर दिया गया है। साथ ही पुलिस ने अवैध शराब को नहर में फेंकने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गौरतलब है कि अब तक जो मौत का आंकड़ा 98 पर चल रहा था, लेकिन अब इस घटना के बाद मृतकों की संख्या 101 हो गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अलीगढ़ से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।